तो दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत तेज बारिश है भाई साहब। और भाई साहब ओले भी पड़ रहे हैं, ओले जो है ना ओले भी पड़ रहे हैं काफी तेज। ये देखिए भाई साहब चोरी किया है ना, ये केला किसका चोरी करके खाया? हम चोर हैं नंबर वन। अच्छा मंडी के चोर। तो दोस्तों अभी इन पैसों को गिन लेता हूँ भाई। ये जो पैसे है ना इसमें 10 के 20 के 50 के 100 के, ये देखिए 500 के भी है। इन पैसों को गिन लेता हूँ। लेंगे कुछ सब्जी लेते नहीं आज। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है भाई आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली सब्जी मंडी पहुंच चुका हूं भाई, और अभी सुबह के 7 बज गए हैं भाई साहब। और आज 5:30 बजे से है ना सुबह से काफी तेज बारिश है, देख सकते हैं पूरे में, और काफी तेज बारिश थी। और अभी फाइनली मैं सब्जी मंडी आ चुका हूँ, और अभी मैंने बाइक जो है ना उस साइड खड़ी की है और व्लॉग इस साइड शुरू किया है आकर, क्योंकि वहां पर काफी शोर था। तो चलिए अभी देखता हूँ भाई आज सब्जी मंडी से क्या क्या सब्जियां लूंगा। और कल सब्जी मंडी बंद है, और हिमाचल प्रदेश हमारे यहाँ की जो सब्जी मंडी है यहाँ का ये रूल्स होता है महीने में 2 बार सब्जी मंडी जो है ना बंद होती है। एक तो महीने के हाफ में होती है 15 डेट को, और एक होती है लास्ट डेट को, चाहे 31 डेट हो, 30 हो या फिर 29 हो। तो चलिए अभी देखता हूँ भाई सब्जी लूंगा आज थोड़ी लूंगा, जो सब्जियाँ आज लूंगा वो आज ही बेच दूंगा क्योंकि कल फिर मैं छुट्टी पर रहूंगा। चलिए देखता हूँ, बाइक दिखाता हूँ आपको मैंने कहाँ पर खड़ी की है और क्या क्या उसमें कैरेट मैंने रखी हुई है। और ये खड़ी है अपनी बाइक जो है ना सामने भाई, और ये जो क्रेट है ये 2 क्रेट जो है केले की थी कल की, और ये 1 क्रेट थी किन्नू की, इसमें मैं किन्नू लेके गया था। और फाइनली अभी बस इनको जमा कर दूंगा। और भाई साहब पूरे में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है, देखे सुबह के 7:30 बजने का है और देखे भाई पूरे में पूरा अंधेरा हो चुका है भाई साहब। अगर मैं सब्जियां ले लूंगा और उसके बाद बारिश आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, अभी मैं थोड़ा सोच समझ के ही सब्जी लूंगा। तो चलिए बस देखता हूँ, सबसे पहले ये जो कैरेट है ना इन कैरेट को जमा कर देता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ भाई बारिश होगी फिर सब्जियाँ नहीं लूंगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो 1-2 सब्जी लूंगा। तो चलिए सबसे पहले ये कैरेट जमा कर देता हूँ जो कल की थी ना, उसको जमा कर देता हूँ। तो दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत तेज बारिश है भाई साहब। और भाई साहब ओले भी पड़ रहे हैं, ओले जो है ना ओले भी पड़ रहे हैं काफी तेज। ये देखिए भाई साहब पूरे में बहुत तेज बारिश है। और बाइक जो है ना मैंने टीन में मतलब अंदर खड़ी कर दी है, लाकर ये खड़ी है अपनी बाइक सामने, और मैं भी यहीं पर छुप गया हूँ आकर। और ये देखिए भाई साहब कितनी तेज बारिश है, ओ हो 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 हो। तो अभी बारिश रुक चुकी है, और अभी ये क्रेट मैंने जमा नहीं की थी, अभी इन क्रेट को नीचे उतारता हूँ और फिर उस साइड जो है ना केले की है वहां जमा करके आता हूँ, और किन्नू के दानिश भाई की है उसके पास जमा करके आता हूँ। और ये जो 2 क्रेट थी ये अपने प्रेम भाई की थी केले की, ठीक है प्रेम भाई? और कैसे हो? बढ़िया 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 भाई। तो अभी केले की क्रेट तो जमा कर दी है, और एक बची है किन्नू की क्रेट, वो है दानिश भाई की, और वो दानिश भाई के पास जमा कर दूंगा और फिर देखता हूँ। तो चलिए अभी बस ये बची है किन्नू की कैरेट, इस किन्नू की कैरेट को भी जमा करके आता हूँ दानिश भाई के पास। दानिश भाई कैसे हो? आपकी कैरेट किन्नू की, ठीक है? तो अभी सबसे पहले जो है ना लौकी ले लेता हूँ, लौकी लूंगा 4 या 5 किलो भर लेता हूँ। चार किलो है लौकी आमिर, 4 किलो लौकी है भाई, 4 किलो लौकी लिख लियो, 4 किलो लौकी। तो दोस्तों 4 किलो लौकी लिए भाई, और अभी देखता हूँ उसके बाद सब्जी तो 1-2 ही लूंगा, और एक या फ्रूट 2 लूंगा। और फ्रूट की बात करें, फ्रूट में अभी बस 1 केले की क्रेट ली है, और ये भी अपने प्रेम भाई से ली है मैंने, तो बस अभी इनकी जो है ना साथ के साथ पेमेंट भी कर देता हूँ। सामने अपने प्रेम भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। प्रेम भाई क्या हाल है, कितने की है क्रेट? 400 की। अच्छा 400 की है भाई जी, ठीक है 100 रुपये दे दूंगा। 100 रुपये आपके, ठीक है भाई। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मेज्जू भाई के पास, और मेज्जू भाई के पास से मैं मटर लूंगा, मटर का रेट पूछ लेता हूँ इनको, क्या रेट है भाई जी मटर? मटर मेरे भाई 45 रुपये लगेगी। 45 रुपये किलो, बड़ी महंगी है यार मटर मेरे भाई, यही रेट है। सही लगा लियो यार, आज तो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पीछे मटर है नहीं है। अच्छा चल लगा लियो, 5-4 रुपये कम है, भर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी इनसे मैं भर लेता हूँ भाई, 4 या 5 किलो मटर ले लेता हूँ, क्योंकि कल तो मेरे को आना ही नहीं ना, फिर यही आज ही बेच दूंगा। वीडियो बनाना क्या जरूरी थी? वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। 4 किलो ठीक है भाई जी, लिख लेना 4 किलो है।
और आज मैंने ज्यादा सब्जियां नहीं ली है दोस्तों, सब्जियों में सिर्फ मैंने मटर ली है, लौकी ली है और फ्रूट में एक केले की क्रेट ली है। और मैंने केले की क्रेट की तो पेमेंट कर दी है, सिर्फ लौकी की और मटर की पेमेंट रह चुकी है, अभी ये कर देता हूँ। और सब्जियां मेरे पास जो है ना घर पे हरी मिर्च बची है और टमाटर बचे है और खीरे बचे है। ये लो भाई लौकी के पैसे, ठीक है। तो अभी रह चुके हैं सिर्फ मेजू भाई के 4 किलो मटर के पैसे। चलिए वो देखिए सामने, वो देखिए केला खा रहा है, केला खा रहा है, चोरी चोरी केला खा रहा है। देखिए पता नहीं किसका केला चोरी करके उसने खाया है, किसका चोरी किया है ना, ये केला किसका चोरी करके खाया। हम चोर हैं नंबर वन। अच्छा मंडी के चोर। हाँ। तो भाई साहब अभी मेरे 4 किलो मटर के पैसे बता दो कितने हुए है, बताते हैं मेरे भाई, जल्दी बता दो यार। आज मैंने ज्यादा सब्जियां नहीं ली यार, बस लौकी ली, मटर ली और बस एक केले की क्रेट ली है। पता क्या है, कल मंडी बंद है तो मेरे को कल छुट्टी करनी है। 520 4 किलोमीटर के 520 हुए यार, इतनी महंगी लगा रहा भाई। सही सही बता दे, सही सही 150 हुए। अभी बस मिज्जू के पैसे दे देते हैं। हेलो भाई पूरे है, ठीक है, जाना नहीं अभी, रुकना अभी नहीं जाना, चल गिन ले गिन ले। तो फाइनली भाई सारी सब्जियां ले ली हैं, सभी के पैसे दे दिए। चलिए बस अभी घर पर चलता हूँ, घर पर निकलता हूँ और देखता हूँ फिर इन सब्जियों को कितना टाइम लगता है बेचने में और कितने का प्रॉफिट होता है। तो फाइनली दोस्तों अभी घर पर पहुंच चुका हूँ भाई, और सब्जियां जो है ना ये बची हुई कल की, ये देखिए हरी मिर्च, ये थोड़े से नींबू है और ये टमाटर और ये खीरे। तो चलिए अभी इन सब्जियों को और ये जो सब्जियां हैं सारियों को सेट करके और फिर बेचने चलता हूँ। ये माइक और ये तराजू वगैरह भी बांध लिया है और अभी रास्ते में खड़ा हूँ और बेचने के लिए निकल चुका हूँ, और देखता हूँ अभी इन सब्जियों को कितना टाइम लगता है बेचने में और आज कितने की लेकर आया था और कितने की इनको बेचूंगा, ये भी आपको दिखाऊंगा। अभी वीडियो पर बने रहना। लेंगे कुछ सब्जी लेते नहीं आज, चल ठीक है। कुछ जगह पर जो है ना ये माइक चला देता हूँ और कुछ जगह पर मैं अपनी भाषा में, अपने गाँव वाली भाषा में आवाजें लगा लेता हूँ। तो अभी इसकी मम्मी ने जो है ना 20 रुपए के टमाटर लिए है ना, है ना जी। और काफी सारे भाई मेरे कमेंट करते हैं कि भाई आपको प्रॉफिट जो है ना काफी कम बताते हो, ऐसा नहीं भाई, अभी तक मेरे को सिर्फ 1 घंटा हुआ है सब्जी बेचते हुए और 200 रुपए का उधार हो चुका है, मतलब कई जगह पर उधार जाता है, इसलिए मैं आपको प्रॉफिट वही दिखाता हूँ जो शाम को मेरे पास इकट्ठा होता है, बाकी जो उधार होता है उसका मैं हिसाब नहीं लगाता हूँ। इन सब्जियों को बेचने आ चुका हूँ अपने ही गाँव में, और मेरे को मिले हैं मयूर भाई। मयूर भाई क्या लेना भाई जी? केले लेना था भाई। कितने के लेने? 50 के। अच्छा तो अभी अपने मयूर भाई को मैं केले दे देता हूँ। 50 के देने? 60 रुपए के 12 है वैसे ना। कोई नहीं चलो 50 के दे दूँ। 50 के दे दर्जन दे दिए, एक दर्जन ही। तो दोस्तों मैंने अपने अपने मयूर भाई को 50 रुपए के एक दर्जन दे दिए, वैसे 60 रुपए दर्जन का रेट। तो अभी की बात करें, अभी भाई थोड़े से केले बचे हैं, देखिए केले जाना फ्रूट बड़ी जल्दी बिक जाता है, और ये देखिए इधर लौकी बची है, थोड़ी सी लौकी बची है। तो अभी अपने गांव में चलता हूँ, इस साइड या सामने गली है अपने गांव में जा रही है, और अभी देखता हूँ भाई ये भी थोड़ा सा जो बचा है अभी इनको कितना टाइम लगता है बेचने में। मटर लो, खीरा लो, हरी मिर्च लो, टमाटर लो, सब्जी लो, सब्जी केला लो, लौकी लो, मटर लो, खीरा लो, हरी मिर्च लो, टमाटर लो, सब्जी लो, सब्जी। तो दोस्तों अभी भाई दोपहर का 1 बज गया है, और सब्जियों की बात करें सब्जियों में सभी सब्जियां बिक चुकी है बड़ी जल्दी, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी थी, कुछ कल की थी कुछ आज की, और सब्जियों में सिर्फ थोड़े से टमाटर बचे हैं, ये कल के थे, टमाटर तो घर पे बिक जाएंगे कोई बात नहीं, और सब्जियों में बची है ये मटर, मटर में ले गया था 4 किलो और 3.5 किलो बच गई है, और फ्रूट में फ्रूट जो केला था केला सारा खत्म हो गया है देखिए बिल्कुल, और भाई नींबू था थोड़े से वो भी बिक गए है, और टमाटर थोड़े से बचे है, और लौकी भी खत्म हो गई है, और हरी मिर्च खत्म हो गया दोस्तों, खीरे भी खत्म हो गया। तो चलिए बस अभी भाई घर पर चलता हूँ और आज पैसे गिनकर देखता हूँ और बताऊंगा आपको मैं कितने की सब्जियाँ लेके आया था और कितने की मैंने इनको सेल किया है। तो फाइनली घर पे पहुंच चुका हूं अभी। तो दोस्तों अभी इन पैसों को गिन लेता हूं भाई, ये जो पैसे है ना इसमें 10 के 20 के 50 के 100 के, ये देखिए 500 के भी है, इन पैसों को गिन लेता हूं। तो दोस्तों अभी इन पैसों को भाई मैंने गिन लिया है, और आज मैं जो सब्जियां लेके आया था, सब्जियां मैं लेके आया था आज 1220 रुपए की, और कुछ सब्जियां जो है ना मेरी कल की बची थी, जैसे आपने देखा है टमाटर, हरी मिर्च और
खीरा भी बचा था मेरा और थोड़े से नींबू थे, तो मैंने आज इन 1220 रुपए की सब्जियों को मैंने सेल किया है 1620 रुपए में, यानी कि मेरे को प्रॉफिट जो है 400 रुपए का हुआ है। कल की सब्जियां और आज की सब्जियां मिलाकर मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है 400 रुपए का हुआ है। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय हिंद।